नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा 176 नए प्रजातियों की खोज की गई है। उपराज्यपाल ने हैपलॉक में बिजली आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए अतिरिक्त डीजी सेट स्थापित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा ने कोलकाता क्षेत्र में भी चार्टर्ड फ्लाइट की सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। भ्रष्टाचार रोधी इकाई की ओर से रिश्वत लेने के आरोप में बायमंदर तहसील कार्यालय के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और चेन्नई से जहाज एमबी ननकौड़ी के कल दोपहर बाद पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2014-15 में 176 नई प्रजातियों की खोज की है। कल पोर्ट ब्लेयर में प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ZSI के कोलकाता निदेशक के वेंकट रामानंद ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि और प्रजातियों की खोज की जा सकती है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में अध्ययन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संसूचना केंद्र के सहयोग से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा एक स्मार्टफोन ऐप विकसित किया जा रहा है जिससे वैज्ञानिक और आम जनता जीवित प्राणियों के फोटो ले सकते हैं और उसे NIC स्मार्टफोन ऐप्स के माध्यम से ZSI के सर्वर में भेज सकेंगे। फोटो मिलने के बाद सॉफ्टवेयर द्वारा भेजे गए विवरणों के साथ डाटाबेस में उपलब्ध वर्तमान पशुओं के बीच तुलना की जाएगी और यदि जीव जंतुओं के बारे में डाटा उपलब्ध नहीं होगा तो वैज्ञानिक उस क्षेत्र का दौरा करेंगे जहां से इसके बारे में रिपोर्ट की गई है। डॉक्टर वेंकट रामानंद ने कहा कि द्वीप समूह की जैव विविधता का काफी महत्व है और यहां कम या गुमनाम समुद्री प्रजातियों की संख्या अधिक हो सकती है। प्रधान मुख्य वनपाल वन्य प्राणी GN सिन्हा ने कहा कि लोगों को संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्वीपों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में और अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में ZSI के स्थानीय प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सी रघुनाथन, कोलकाता के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर तृप्ति बनर्जी, क्यारी के निदेशक डॉक्टर एस दाम राय और देश के विभिन्न भागों से आए वैज्ञानिकों ने भाग लिया। हैवलॉक में लगातार बिजली की आपूर्ति में व्यवधान के मद्देनजर उपराज्यपाल ने विभाग के सचिव और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विद्युत आपूर्ति को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त डीजी सेट स्थापित करें। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया। वे हाल ही में हैवलॉक द्वीप का दौरे पर थे और इस दौरान उन्हें बिजली की कटौती से संबंधित कई शिकायतें मिली थी। उपराज्यपाल ने हैवलॉक में चल रहे विकास कार्यों पर वन, पुलिस, अंडमान लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को निर्देश दिया कि वे राजमार्ग के सड़क विस्तार कार्यक्रम को 2 चरणों में पूरा करें। वे डॉल्फिन रिसोर्ट भी गए और वहां की रखरखाव स्थिति की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने राधानगर सागर तट का दौरा भी किया और वहां पड़े कूड़ा कचरों को देखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इस तट पर निरंतर स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया।